Assalamu alaikum. It is second part of my lecture that was on human expertise system, 8th class, PTB syllabus. It got separated due to the reason that meeting, first part of meeting was ended. Now the second part starts. बेटा आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम किडनीज के डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको ये बताया था कि जो छोटे साइज के जो स्टोन्स होते हैं वो तो यूरिन के रास्ते खारिज हो जाते हैं और जो मीडियम साइज के होते हैं वो लिथोट्रिप्सी के जरिए खारिज कर दिए जाते हैं, जिसमें शॉक वेव्स को बम्बार्ड किया जाता है स्टोन्स के ऊपर, जैसे स्टोन्स जो हैं वो बारीक पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये पीसेस जो हैं फिर यूरिन के रास्ते खारिज हो जाते हैं। और मैंने आपको जिस तरह बताया कि अगर स्टोन्स बड़े साइज के हों तो उसके जरिए उसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है तो उस केस में विच आर फेलियर्स, फेलियर ऑफ किडनी, फेलियर्स आर देयर, यस, किडनी फेलियर्स, व्हाट आर द रीजंस ऑफ किडनी फेलियर? लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, इट कैन कॉज किडनी फेलियर, डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन, सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड टू किडनीज, ये मैंने आपको चार सूरतें बताई हैं जिनकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। पहला मैंने आपको बताया है लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन रहती है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि काफी देर तक रहती है, उसकी वजह से किडनी जो है, गुर्दे जो है वो खराब हो सकते हैं। डायबिटीज मेलिटस, जो शुगर की डिजीज है जिसमें के शुगर का लेवल ब्लड में राइज कर जाता है तो इस वजह से गुर्दे खराब हो सकते हैं। हाइपरटेंशन, ये हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं, ब्लड प्रेशर का ज्यादा रहना, इस वजह से खराबी हो सकती है। या चौथा तरीका मैंने आपको बताया, सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड टू किडनीज, किडनीज को जो ब्लड पहुंचता है उसकी ब्लॉकेज होती है, किडनी को इटसेल्फ भी ब्लड रिक्वायर्ड होता है उसकी ब्लॉकेज हो जाती है, सडन ब्लॉकेज होती है किसी न किसी वजह से। तो इन चारों वजूहात की बेस पे क्या होता है, गुर्दे खराब हो जाते हैं, किडनी फेलियर टेक्स प्लेस। अब जब गुर्दे खराब हो जाते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, उसकी दो ट्रीटमेंट्स हैं, पहली है डायलिसिस जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, दूसरी है किडनी ट्रांसप्लांट। सेकंड जो है इसमें, सेकंड ये किडनी ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट ये सेकंड ट्रीटमेंट होगी। फर्स्ट जो इसकी ट्रीटमेंट है इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं, डायलिसिस। डायलिसिस बेटे एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम ब्लड के अंदर से यूरिन को रिमूव करते हैं। मैं एक चीज की मैं दोबारा आईडी सेंड कर देता हूं एहतियातन, के अगर बच्चे ये ना समझ रहे हो कि दोबारा आईडी मिलना है तो हमने ज्वाइन होना है। जस्ट अ मिनट, डायलिसिस का मेथड ऐसा मेथड है कि जिसके जरिए ब्लड के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट को आर्टिफिशियली रिमूव किया जाता है। इसके लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है डायलिसिस में वो डायलाइजर कहलाता है। डायलाइजर के अंदर एक डायलिसिस ट्यूबिंग होती है, ये जिसको अभी आप देख रहे हैं यहां स्क्रीन पे, मैं वाज़े कर देता हूं, ये देखे मैं स्पॉट लाइट से इंडिकेट कर रहा हूं, ये ट्यूबिंग जो है डायलिसिस ट्यूबिंग है
और एक डायलिसिस फ्लूइड होता है। ये फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड जो है इसको फ्रॉम बॉटम टू टॉप नीचे से ऊपर को जाता है और ब्लड ऊपर से नीचे आता है डायलिसिस ट्यूबिंग के अंदर। ये काउंटर फ्लो ब्लड का और डायलिसिस फ्लूइड का इसलिए रखा जाता है ताकि मैक्सिमम एक्सचेंज सब्सटेंसेस का हो जाए ब्लड और इस डायलिसिस ट्यूबिंग के अंदर मौजूद ब्लड के दरमियान। जब एक्सचेंज होता है तो ये डायलिसिस फ्लूइड ऊपर से बाहर निकलता है, यहां इसको कलेक्ट करते हैं डायलिसिस फ्लूइड को, और फ्रेश जो है वो मुसलसल जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है इसको हम मुसलसल पास करते रहते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। अब बेटा देखिए ब्लड लिया कहां से जाता है, आर्म के अंदर से आर्टरी से ब्लड लिया जाता है और ये ब्लड आगे डायलिसिस ट्यूबिंग के अंदर आ जाता है। डायलिसिस ट्यूबिंग के बाद डायलिसिस के प्रोसेस के बाद ये ब्लड, ये क्लीन ब्लड जो है ये वापस जा रहा है, इसको इसी तरह आर्म के अंदर वेन में एंटर कर दिया जाता है। यहाँ पे आर्म के अंदर पहले कुछ सेटिंग करनी होती है, मजीद एक्सप्लेनेशन की यहाँ आपके लेवल पे जरूरत नहीं है इसकी। आर्टरी और वेन को जॉइन करना होता है जहां पे ये हमारा कनेक्शन होता है डायलाइजर का। यानी हो आपने इतना याद रखना है कि यहां से जो ये ब्लड अंदर आ रहा है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा होते हैं, और डायलिसिस ट्यूबिंग के अंदर से जब पास होता है तो नाइट्रोजनस वेस्ट उससे बाहर निकल जाते हैं डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, और एक्सचेंज के बाद क्लीन ब्लड जो है वो दोबारा आर्म की वेन में दाखिल कर दिया जाता है। अब ये प्रोसेस कितना टाइम कंज्यूमिंग है और हफ्ते में कितनी दफा इस्तेमाल होता है, आई एम एक्सप्लेनिंग इट। बेटे इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में तकरीबन 4 घंटे लगते हैं और एक हफ्ते में 2 से 3 दफा ये डायलिसिस का प्रोसेस करवाना पड़ता है। इन 1 वीक 2 or 3 times डायलिसिस इज रिक्वायर्ड टू प्योरीफाई ब्लड बाय डायलाइजर एंड इट टेक्स एट लीस्ट 4 hours फॉर द कंप्लीशन ऑफ डायलिसिस प्रोसेस वंस। एक दफा एट ए टाइम जब डायलिसिस होती है तो तकरीबन 4 घंटे लगते हैं और एक हफ्ते में 3 दफा या कुछ पेशेंट्स में 2 दफा भी काफी रहता है कि डायलिसिस करवाया जाता है। लेकिन ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है मरीज के लिए, बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। डायलिसिस में इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब किडनी फेलियर होता है। और किडनी में बेटे याद रखें 2 गुर्दे होते हैं, दोनों में से अगर एक गुर्दा खराब हो जाता है दूसरा काम करता रहता है तो तब भी बंदा सरवाइव कर सकता है, लेकिन अगर दोनों गुर्दे खराब हो जाते हैं तो उस केस में फिर ये प्रॉब्लम होती है कि जब दोनों गुर्दे खराब हो जाएं तो उस केस में फिर ब्लड जो है उसको आर्टिफिशियली प्योरीफाई करना पड़ता है। पार्टिसिपेंट्स की तादाद जो है मैं देख रहा हूं कि थोड़ी है, कि रूम मैंने एनेबल किया हुआ है, कोई इशू नहीं है। ये शुड बी रेगुलर, जैसे मीटिंग का दूसरा हिस्सा शुरू होता है फौरन सबको ज्वाइन हो जाना चाहिए। तो बेटे अगर दोनों गुर्दे खराब हो जाते हैं तो उस केस में डायलिसिस करवानी पड़ती है, या फिर दूसरा तरीका जो है ट्रीटमेंट का दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट नाउ, वो करवाना पड़ता है। इट इज हियर किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट ये लास्ट स्टेज है किडनी ट्रीटमेंट की। इसमें हम जिस बंदे के दोनों गुर्दे खराब होते हैं उसको नया गुर्दा लगाते हैं,
It is grafted. New kidney is grafted here. Here it has been grafted in this diagram. It is clear. You can view it. कि जो यूरेटर है उसके साथ भी इसका ये कनेक्शन कर दिया गया है और उधर से डॉर्सल एओर्टा से रेनल आर्टरी भी इसमें एक डाल दी गई है और एक रेनल वेन है जो कि इन्फीरियर वेना केवा में भी एंटर हो रही है. तो रेनल आर्टरी रेनल वेन ये इसके साथ कनेक्शन हो चुका है और यूरेटर के साथ भी इसका इस नाली के जरिए कनेक्शन हो गया है. अब ये गुर्दा कौन बंदा दे सकता है? या तो ब्लड रिलेटिव दे सकता है या फिर कोई वेरी क्लोज रिलेटिव होगा तो वो दे सकता है. इसको टेस्ट करने के बाद लगाया जाता है. बॉडी की जो टिश्यू केमिस्ट्री है इसको चेक करने के बाद लगाया जाता है. अदरवाइज हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इसको जस्ट फॉरेन पार्टिकल ही कंसिडर करते हुए इसको रिजेक्ट कर देता है, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है. इट इज कॉल्ड टिश्यू रिजेक्शन. टिश्यू रिजेक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम किसी भी ऐसे पार्टिकल को जो कि फॉरेन पार्टिकल है हमारी बॉडी में एंटर होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दे. या टिश्यूज के अंदर भी ऐसे प्रोसेस होता है. अब यहाँ पे किडनी जो ट्रांसप्लांट होता है या कोई भी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. इसको बेटा कहते हैं टिश्यू रिजेक्शन. और इससे बचने के लिए अम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन जो है वो इस बंदे को मुसलसल यूज करवाई जाती है ताकि इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा कंट्रोल रहे. किडनी ट्रांसप्लांटेशन में एक गुर्दा अगर यहां लगा दिया गया है तो इस केस में ये होगा कि अब ये बंदा सरवाइव कर सकता है अंटिल कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम इसको बर्दाश्त करता रहे. अगर इम्यूनिटी सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देगा तो फिर उस बंदे का सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है. ऑल इट वाज अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. इट्स एक्सप्लेनेशन इज ओवर दिस टाइम. नाउ आई गिव यू चांस टू आस्क क्वेश्चंस. यू विल जस्ट रेज योर हैंड्स. यू आर टू रेज योर हैंड्स and turn by turn I shall give you chance. You will let your videos turned off and you are to raise hands if you are to ask any question. Otherwise now I am going to share screen with you relating exercise of this chapter and with this there will be end of this first chapter and you are to learn this chapter completely. After 2 days I shall send a test in group, in WhatsApp group a test will be there. You are to attempt it. Honestly you are to attempt it. And if parents are listening to me this time I request them that ensure its transparency, that students should be solving it themselves. They should not be taking help of their books or any other material. Yes, hands are there raised. First of all, this student, Jannat. Term infection किसी खास जगह पे होती है या फिर वो कहीं पे भी हो तो किडनी फेलियर हो सकता है. बेटे किडनी की जो इन्फेक्शन होगी, जो किडनी की इन्फेक्शन होगी इससे okay. किडनी खराब होगी. एंड सर आई आल्सो वांट टू अ क्वेश्चन दैट लिथोट्रिप्सी, मुझे शौक है यानी साइंस का. तो यस वो तो मैंने ना साइंस की एक रिसर्च पढ़ी थी तो उसके अंदर था कि जो किडनी का एक होता है एक ब्लड ट्रांसप्लांट वो करके किडनी का प्रॉब्लम नहीं हल हो सकता. ब्लड ट्रांसप्लांट से किडनी का फेलियर जो है वो सही नहीं हो सकता. ओके एंड सर वो ये हमारे जो स्कूल में नए एक सर आए हैं उन्होंने हमें कहा है कि काफी ज्यादा केसेस के बाद एक केस आता है जिसकी किडनी राइट साइड पे होती है. तो किडनीज तो दो होती हैं तो फिर ये क्यों कहते हैं? नहीं ऐसे बेटा नहीं होता. किडनीज हमेशा दो होते हैं, एक राइट साइड पे होती है एक लेफ्ट साइड पे होती है.
ये अबनॉर्मल डेवलपमेंट और हम कह सकते हैं बेटे, अगर अबनॉर्मल डेवलपमेंट हो उसमें कई अबनॉर्मैलिटीज आ जाती हैं, जैसे हाथ के अंदर जो है वो फिंगर्स में 5 की बजाय 6 आ जाती हैं कभी या कभी। सर यस आप ना नाइट्रोजीनियस वेस्ट के बारे में बता दें, और ये भी बता दें कि सिर्फ हमें ब्लड आम से क्यों लेना चाहिए। और सर आपके लेक्चर की मुझे फर्स्टली बहुत समझ आई, लेकिन थोड़ी देर बाद सारे बच्चे इतनी ज्यादा चैटिंग कर रहे थे, सारे की सारी स्क्रीन उनके मैसेज से भर गई थी। उसके बाद किसी को रोको तो आगे से वो बदतमीजी करते हैं, खास तौर पे बॉयज बेटे करते मैं हैं इसको ऐसे। मिनिमाइज कर दूंगा, बेटे आप सब सुन रहे हैं, आप ऐसे डिसटर्बेंस मत किया करें। एक बच्चा नहीं पढ़ उसका पढ़ने का रहता तो पढ़ने वाले जो है वो भी उससे डिस्टर्ब होते हैं। तो नेक्स्ट में ये जो इनके स्क्रीन का पार्ट है इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा। अच्छा बेटे, नाइट्रोजनस वेस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके दौरान नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनती है लेकिन साथ नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? ये यूरिया, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। जो यूरिन खारिज होता है ये नाइट्रोजनस वेस्ट ही होता है, यानी इसके अंदर पानी होता है और पानी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। हाँ जी, नाइट्रोजनस वेस्ट का पता चल गया बेटे, आप अनम्यूट नहीं करेंगे जब तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते, बल्कि आमना इस वक्त। जन्नत आप सुन रही हैं? यस ठीक यस सर, मुझे सुन रही है आपकी आवाज। है, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैंने पूछना था कि जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो यस सर वो हेल्दी पर्सन की ली जाती है किसी डेड पर्सन की ली जाती है? किडनी बेटे, हर बंदे में जैसे दो गुर्दे होते हैं तो एक बंदा एक गुर्दे पे सरवाइव कर सकता है, लिहाजा वो अपना दूसरा गुर्दा किसी को डोनेट कर सकता है, किसी रिलेटिव को जिसको जरूरत हो, जिसके साथ उसकी मैचिंग हो रही हो टिश्यू केमिस्ट्री की, उसको वो डोनेट कर सकता है और वो खुद एक गुर्दे पे जिंदा रह सकता है, बशर्ते कि उसका वो गुर्दा खराब ना हो। खुदा ना खास्ता अगर वो खराब हो गया तो वो भी किडनी फेलियर की कैटेगरी में आ जाएगा। सर लेकिन थ्री किडनीज पे सर्वाइव की जा सकते हैं? थ्री किडनी जैसा आप डायग्राम में देख रही हैं, ये उस केस में है कि दो गुर्दे तो काम कर ही नहीं रहे, उसमें एक गुर्द उन गुर्दों में जो काम नहीं करते, एक साइड से ब्लड एंटर होता है वो जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट वाला होता है इसी तरह ही आफरेंट आर्टरियोल्स के जरिए बाहर निकलता है और आर्कुएट वेन्स के जरिए वो उसमें रेनल वेन में दाखिल हो जाता है। और जो तीसरा गुर्दा आपने देखा, जो ग्राफ्टेड किडनी है, जो ग्राफ्टेड है, जो ट्रांसप्लांटेशन के बाद लगाया गया ट्रांसप्लांटेड है, वो ही है जिसने काम करना होता है। ये तीन नहीं, इसका मतलब कि आप तीन काम कर रहे हैं, एक गुर्दा काम करता है। रिमूव क्यों नहीं करते थे जो फेल हो गई है? आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। सर जो फेल हो गई है किडनी वो वाली रिमूव क्यों नहीं कर देते? जी, अगर हम उसको रिमूव करेंगे तो आप देखें दोनों गुर्दे रिमूव करने हैं, वहां पे सारी ब्लड वेसल्स की डिसकनेक्शन करनी है हमने, तो डिसकनेक्शन की सूरत में आप ये देखें कि सर्जरी कितनी बढ़ जाएगी। अगर नया गुर्दा लगाया है उसके तो सिर्फ कनेक्शन किया है एक का, उसके साथ दो और गुर्दों की डिसकनेक्शन करेंगे रिमूव करते हुए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अवॉइड किया जाता है। सर लेकिन अगर ऐसे भी तो होता है कि एक किडनी की वजह से बाकी दो किडनी में से भी कोई फेल हो जाए। जरा ऊंचा बोलना, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर एक किडनी फेल है तो उसकी वजह से बाकी सारी भी इन्फेक्ट हो जाए, फेल हो जाए। नहीं, ऐसे वो तो देखें बेटे इन्फेक्शन की बात है ना, इन्फेक्शन को मेडिसिन के साथ कंट्रोल किया जाता है, इवन कि हमारा ट्रांसप्लांटेड किडनी जो है इसको भी अम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स यूज करवा कर इसको भी जो है वो बचाया जाता है, अदरवाइज हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। सर कहते हैं जो कि आपने बताया था स्टोन होता है, तो जी लिथोट्रिप्सी से ट्रीट भी किया जा सकता है?
बिल्कुल बेटे, अगर बड़ा स्टोन है तो वो सर्जरी से ही रिमूव होता है, छोटे स्टोन्स हैं छोटे भी सर्जरी से रिमूव हो जाते हैं, लेकिन अगर लिथोट्रिप्सी करवा सकते हो तो वो बेहतर होता है कि सर्जरी से बंदा बच जाता है। सर्जरी में ब्लीडिंग होती है, ज्यादा वीकनेस हो जाती है पेशेंट को, और लिथोट्रिप्सी में उससे कम इफेक्ट होता है, होता जरूर है इससे भी लेकिन उससे कम होता है। सर जो बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो खुद ही म्यूट कर लिया करें, मुझे ना करना पड़े उनको, और हैंड्स भी अपने जो है वो डाउन कर लिया करें। हाँ जी, नेक्स्ट नायला सज्जाद। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो किडनी ट्रांसप्लांट है उसमें ब्लड रिलेटिव्स के साथ किया जा सकता है? क्वेश्चन रिपीट करना। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स के साथ किया जा सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है? ब्लड रिलेटिव के साथ, और अगर ब्लड रिलेटिव नहीं है तो फिर वेरी क्लोज रिलेटिव। उसकी वजह ये होती है कि अगर किडनी जो है वो क्लोज रिलेटिव की चूंकि बॉडी केमिस्ट्री मैच कर रही होती है, टिश्यू केमिस्ट्री मैच करती है, और अगर टिश्यू केमिस्ट्री मैच ना करे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसको फौरन डिस्ट्रॉय कर देता है। मैचिंग किडनी होना चाहिए, हमेशा मैचिंग डोनर का किडनी जो है वो ग्राफ्ट किया जाता है, वो किडनी काम नहीं करेगा। योर क्वेश्चन क्लियर? थैंक यू सर। उसके नीचे की किडनी लगती है सर, जैसे डायग्राम में दी हुई है ना कि इस तरह तो तीन किडनियां दिखाई हुई है डायग्राम में। देखिए बेटे, दोनों किडनी से नीचे जो है वो यूरेटर आ रहा है, और दोनों किडनी के दरमियान से ये इन्फीरियर वेना केवा भी पास हो रहा है और डार्सल एओर्टा का भी कनेक्शन है। हम किसी भी साइड पे कर सकते हैं। सर किसका कनेक्शन है? डार्सल एओर्टा जो कि ब्लड सप्लाई करने वाली बड़ी आर्टरी है, और इन्फीरियर वेना केवा जो कि नीचे वाली बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करने वाली बड़ी वेन है, ये भी वहां पे मौजूद है, और यूरेटर दोनों साइड से आ रही है, तो हम किसी एक साइड पे इसको अटैच कर सकते हैं। और सर मैंने आपको ये कहना था कि ना ये मुबीन चैटिंग में बहुत बदतमीजी कर रहा है। मुबीन आपकी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, आप डिस्टर्ब ना करें। डिस्टर्ब कर जाए सर, मैंने हमने उसको कहा भी है कि ना करे चैटिंग इतनी, सर आगे वो बदतमीजी करने लग जाता है। चैटिंग बिल्कुल नहीं करनी, कोई बच्चा चैटिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर किसी की मुझे कंप्लेंट आएगी मैं उसको रिमूव कर दूंगा। लिथोट्रिप्सी का क्या मतलब होता है? लिथोट्रिप्सी बेटे टेक्निक है, ऐसी टेक्निक है कि जिसके जरिए जिसके अंदर हम ये करते हैं कि शॉक वेव्स होती हैं, बहुत ही हाई एनर्जी वेव्स होती हैं, हम इनको बम्बार्ड करते हैं इन स्टोन्स के ऊपर, और इन इस बम्बार्डमेंट से स्टोन्स ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे जरात में, और वो जरात यूरिन के रास्ते खारिज हो जाते हैं। सो किडनी के अंदर से स्टोन रिमूवल का ये एक मेथड है। शॉक वेव्स हम बम्बार्ड करते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी, जरा ऊंचा बोलने की कोशिश करें। बम्बार्ड करते हैं, बम्बार्ड करना का मतलब है थ्रो करना, ठीक है, रेज थ्रो करना, श्वाइम मारना ऊपर इसके स्टोन्स के ऊपर। योर क्वेश्चन इज क्लियर? ईशा फारूक। बेटे आपका कोई क्वेश्चन नहीं, आपका हैंड रेज था। नेक्स्ट
अश्ना तारिक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, मैंने ये पूछना था, मुझे लेक्चर की तो समझ आ गई, बट मैंने ये पूछना था कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो उसकी जो एक्सरसाइज है जी बुक पे करने हैं सारे एक्सरसाइज। बेटे देखें, नोट्स मैंने आपको सारे सेंड कर दिए हुए, आज मैं एक्सरसाइज थोड़ा सा ओवरव्यू भी आपको देता हूँ, तो आपने सारी एक्सरसाइज याद करनी है। कॉपी के ऊपर जो पहले लिख दिए हुए वो ठीक है, जो नहीं लिखे क्वेश्चन वो कॉपी पे एक दफा लिख लें, ताकि वहीं से देखकर फिर आप रिवाइज कर सकें, याद कर सकें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जन्नत, आई थिंक यू हैव टू आस्क अनदर क्वेश्चन। आमना अली, यस आमना अली, आई एम गिविंग यू चांस, आर यू टू आस्क एनी क्वेश्चन? बेटे जब क्वेश्चन नहीं पूछना होता तो ये हैंड्स जो है वो आपके डाउन हो जाने चाहिए, तो मुझे फिर ऐसे ही लगेगा कि आपने भी पूछना है। उजैर, उजैर अगर आपने नहीं क्वेश्चन पूछना है तो फिर हाथ नीचे कर लें। वालेकुम सलाम जी बेटे। सर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता देंगे? ग्लोबल वार्मिंग का मैं बता देता हूँ, कोशिश किया करें कि टॉपिक चूंकि रिकॉर्ड हो रहा होता है तो टॉपिक की बात हो। ग्लोबल वार्मिंग बेटे ऐसे इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट जो है इट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसकी कॉजेस क्या हैं ये लेटर ऑन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं तो बेटर है, क्योंकि अभी मीटिंग का टाइम दोबारा एंड हो सकता है, हम चीजें एक्सप्लेन कर लें। ठीक है, मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले आप इस तरह के जो मर्जी क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ लिया करें। ओके सर, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर स्टूडेंट ही वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? आई थिंक नो क्वेश्चन इज देयर। आई शैल शेयर विद यू एक्सरसाइज एंड यू हैव टू लर्न इट। यू हैव टू लर्न दिस एक्सरसाइज इट इज ऑलरेडी देयर विद यू अटेंटिवली। It is first question, it is solved here. Second question, all different parts, they are also solved. इसमें बेटे थोड़ा सा ब्रीफ करके लिखा गया होगा, कहीं मसलन ब्रेन के ऊपर अगर नोट पूछा गया है, यहाँ पे देखें स्पेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो क्वेश्चन को ज्यादा लेंथी होने से बचाने के लिए मैंने फंक्शन यहाँ मेंशन नहीं किए हुए। आप बेटे फंक्शन याद कर लेते हैं जब, तो इसका आंसर देते हुए फंक्शन भी साथ लिख दें तो बेटर है, अदरवाइज अगर तीन या चार नंबर का आता है क्वेश्चन तो टाइम के मुताबिक आप ये भी लिख सकते हैं तो सफिशिएंट है। जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे सारे सॉल्व हैं, इवन के एंड पे कुछ डायग्राम्स थी वो भी लेबल्ड हैं। सो ऑल थिंग्स आर क्लियर, ये वर्कशीट थी इसके एंड पे, ये मैंने आपको की भी दी हुई है। सो ऑल द थिंग्स आर क्लियर। नाउ आई थिंक यू आर नॉट टू आस्क एनीथिंग, I am going to end this meeting. If you are to ask any question, you can ask. Otherwise, meeting will be ended now. You can raise your hands. As now it is the time, you can discuss any question. Excuse me, sir. Yes. Sir, I had two questions. Yes. I was disconnected with this meeting, so okay. I wanted you to explain again about the structure of nephrons. ठीक है बेटे, मैं explain कर देता हूँ जितना time मुझे मिलता है। And the other, and the other question was that why is the right kidney smaller and lower than the left one? ठीक है बेटे, मैं explain कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा speed से explain करूँगा क्योंकि meeting end हो सकती है। अगर end हो भी जाती है, इसकी recording आपको मिल जाएगी group में, वहाँ से आप guideline ले सकती हैं। इसकी guideline आपको मिल सकती है वहाँ से। बेटे राइट किडनी इसलिए नीचे होता है और छोटा होता है क्योंकि दाएं तरफ जिगर होता है, लिवर होता है, उसकी वजह से। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन जो है
इसके दो हिस्से होते हैं, रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कार्पसल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है और बोमन कैप्सूल होता है, जबकि रेनल ट्यूब्यूल में एक उसका पहला कन्वोल्यूटेड पार्ट है जिसको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं, दूसरा यू शेप्ड पार्ट होता है जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं, तीसरा ऐसा उसका फिर कॉइल्ड होता है उसको डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं। ये डिस्टल ट्यूब्यूल आगे कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो पेल्वस में एंटर होती हैं, यूरिन पेल्वस में ड्रेन कर देती हैं, पेल्वन से आगे वो यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में आता है और यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है यूरिन से तो यूरेथ्रा के जरिए बाहर खारिज हो जाता है। अब कोबोमन कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस है उसमें आफरेंट आर्ट्रियोल एंटर होती है, वो कैपिलरीज का नेटवर्क बना देती है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। प्रेशर की वजह से उसके अंदर से फिल्ट्रेट निकलता है जिसमें ज्यादातर पानी होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जाता है, उसके बाद लूप ऑफ हेनले में, फिर डिस्टल ट्यूब्यूल में जाएगा। ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू दिस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल के अराउंड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो कि मैंने आपको बताया कि आफरेंट आर्ट्रियोल ने ग्लोमेरुलस बनाया था और ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज आपस में मिलकर एफरेंट आर्ट्रियोल बनाती हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल आगे कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है नेफ्रॉन के अराउंड और उस कैपिलरीज के नेटवर्क के अंदर जो ब्लड है उसके दरमियान और ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल के अंदर जो फिल्ट्रेट है उसके दरमियान एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है। एट द एंड क्या है कि यूरिन बनता है एब्जॉर्प्शन के बाद और वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में एंटर हो जाता है। आई थिंक योर आंसर इज डन, यू आर क्लियर, एनी अदर क्वेश्चन? बेटा जन्नत आपने को क्वेश्चन पूछना है? सर मैंने आपसे पूछना है कि आप डायलिसिस फ्लूइड का बता दें और साथ ये बता दें द पर्सन हु गिव्स हिज और हर किडनी टू द पर्सन हु इज इन्फेक्टेड उसके लिए कोई खास, उसका भी कोई होता है यानी उसकी कोई मेडिकेशन वगैरह और उसको कोई नुकसान होता है इस बात का? इन्फेक्टेड डोनर इन्फेक्टेड हो? यस यस। ठीक है, डायलिसिस फ्लूइड बेटे वो फ्लूइड होता है जो डायलाइजर मशीन के अंदर डायलिसिस ट्यूबिंग के अराउंड फ्लो करता है, नीचे से ऊपर को जाता है, काउंटर फ्लो रखा जाता है ब्लड का और इसका उल्ट डायरेक्शन में ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज हो सके। ओके। और आपने जो बताया कि पूछा है आपने ये क्वेश्चन कि अगर वो इन्फेक्टेड है, बेटे अगर तो इन्फेक्टेड है तो उसका किडनी जो है वो अवॉइड किया जाता है ग्राफ्ट करने से। नहीं नहीं सर मैं ये नहीं कह रही, आई एम आस्किंग के जो बंदा जो अपनी किडनी एज अ डोनर देता है किसी और को तो उसको कोई नुकसान हो इस बात का? डोनर को? यस यस। डोनर के बेटे दो गुर्दे होते हैं, अगर एक गुर्दा उसका सही काम करता रहेगा तो उसको कोई मसला नहीं है, दूसरा गुर्दा वो दे सकता है। अगर उसके दोनों गुर्दे ठीक काम कर रहे थे वो चेक किया जाएगा पहले, दोनों ठीक काम कर रहे हैं उसका एक गुर्दा जो है उसको डोनेट किया जा सकता है रिसिपिएंट को। ओके थैंक यू। उसको उसको कोई इशू नहीं होगा, वो सर्वाइव कर सकता है। ओके आप जिसका क्वेश्चन क्लियर हो जाए वो अनम्यूट कर, म्यूट कर लिया करें खुद ही। मैंने पूछना था कि जो आपने हमें दिखाई है इंटरलोब्यूलर वेन और आर्टरी डायग्राम जी सर, क्या वो अपने नोटबुक्स के ऊपर हम वो ड्रॉ कर सकते हैं? जो मैंने एक एडिशनल डायग्राम आपको दिखाई है जी आप कर सकती हैं, कोई मसला नहीं। आप जैसे हायर क्लासेस में जाएंगी, हायर क्लासेस में जाएंगी इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो वो पेपर में आएगी? नहीं नहीं पेपर में नहीं आएगी, वो पेपर में आप नहीं जी बुक वाली डायग्राम बना देंगी पूरे नंबर होंगे यही सफिशिएंट होगी जो आपके सिलेबस के मुताबिक चीजें। एक्स्ट्रा चीजें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थी ताकि आप उसको समझ आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपके बुक में जो डायग्राम थे उसके अंदर जो कन्फ्यूजन थी मैंने आपको बता दी है कि वो क्या क्या है। उन्होंने जो आर्टरी अंदर शो की हुई एंटर होती है उसको रेनल वेन शो कर दिया है और बाहर निकलने वाली को रेनल आर्टरी, हालांकि ग्लोमेरुलस के अंदर ऐसे नहीं होता। बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस जो बनाती है आर्टरी वो रेनल आर्ट्रियोल होता है और वो मैंने आपको बताया कि रेनल आर्टरी जो एंटर होती है वो पहले वो आगे आर्कुएट आर्टरीज बनाती है, आर्कुएट आर्टरी से आगे इंटरलोब्यूलर आर्टरीज बनती हैं
और हर इंटरलोबुलर आर्टरी से आगे आफरेंट आर्ट्रियोल्स बनते हैं, और हर आफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो एक बोमन कैप्सूल में एंटर होता है और ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बनाता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये कैपिलरीज एक मिनट आपस में मिलकर इफरेंट आर्ट्रियोल बनाती हैं और वो आगे नेटवर्क बनाती है नेफ्रॉन के अराउंड, और वो सारी कैपिलरीज बाद में आपस में मिलकर वेन्योल बनाती हैं। वेन्योल्स जब आपस में मिलेंगी तो इंटरलोबुलर वेन्स बनाएंगी, इंटरलोबुलर वेन्स मिलकर आर्कुएट वेन्स बनाती हैं, और आर्कुएट वेन्स मिलकर रेनल वेन बनाती हैं जो कि किडनी से बाहर ब्लड को डिस्चार्ज करती है, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट से साफ किया हुआ क्लीन ब्लड होता है उसको बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है। जी बेटे, ये कर लेती हैं तो ये तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल है, लेकिन ये डायग्राम बेटे डायग्राम अगर ये करती हैं तो फिर उसकी डिटेल भी थोड़ी सी मेंशन कर देना, आपके बुक में तो डिटेल भी नहीं है। सर हम यानी कि इसको कर सकते हैं लेकिन अच्छी से ही होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, एक्सरसाइज अच्छी तरह से आनी चाहिए, आपका पेपर जो है वो ज्यादा